यूट्यूब फैमिली वेलकम टू माय चैनल पे आप सभी को स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप लोगों का आशीर्वाद से ठीक हूँ फ्रेंड। और मॉर्निंग का टाइम में मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, घर का काम खत्म हो गया, मैं भी नहा कर रेडी हो चुकी हूँ, बाबू को भी नहला दी हूँ। तो फ्रेंड आज मेरा बहुत बड़ा कठिन दिन आ चुका है। कठिन दिन इसलिए आया फ्रेंड क्योंकि मेरे बेटा को आज वैक्सीन है, और मैं बेटा को वैक्सीन देते हुए ना हम देख नहीं सकते फ्रेंड। मेरे को रोना आ जाता है जब वो जोर जोर से रोता है वैक्सीन का टाइम में। तो फ्रेंड वैक्सीन लेना भी ज़रूरी है ना फ्रेंड, और नहीं लेने से भी दिक्कत है, लेने से भी दिक्कत है फ्रेंड। तो क्या करें बताइए फ्रेंड। और आज जाके मेरे को पता चल रहा है फ्रेंड की मम्मी का दर्द क्या होता है बोल करके। हम लोग की मम्मी बहुत शक्ति मान है फ्रेंड, जो हम लोग की मम्मी का यहाँ इतना हिम्मत जुटा कर फ्रेंड हम लोग को हर एक चीज़ में सपोर्ट करती है। फिर जो भी होता फ्रेंड मम्मी इतना यह करती है फ्रेंड। आज मैं मम्मी जब बनी हूँ ना फ्रेंड, बाबू के ऊपर मेरी जान छिड़कता है फ्रेंड कि मतलब कितना तकलीफ़ हुआ था फ्रेंड। और मैं देखते ऐसा कपड़ा कुछ लुक पहनी हूँ फ्रेंड। तो अभी मैं रोहित जी को फ़ोन करती हूँ, रोहित जी को लेकर के जो है जाऊँगी आंगनबाड़ी और उसको वैक्सीन दिलाएंगे बाबू को, क्योंकि मैं पकड़ के उसको वैक्सीन दिला नहीं पाती। मेरे को डर लगता है कहीं चोट उट ना लग जाए बोल करके फ्रेंड। आज शायद मेरे बेटा का फीवर भी आएगा क्योंकि वैक्सीन लगने वाला है इसलिए। फिर अगले मंथ को भी 2 तारीख को फिर और 2 नहीं 3 वैक्सीन है, और तो उसको भी लेने जाना हो फ्रेंड। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिए फ्रेंड, ठीक है। और प्यार सपोर्ट करते रहिए फ्रेंड। और देखिए मैं प्लाजो और जो है आज टॉप पहनी हूँ फ्रेंड, कैसे लग रही हूँ बताइएगा फ्रेंड। रोना भी आ रहा है, ब्लॉग भी शूट कर कर फ्रेंड। चलिए निकलते हैं हम लोग, और मैं भाई गया हूँ तरम से सीख रहे हैं। मैं भाई को छोड़ के जाए कि लेके जाए समझ में नहीं आ रहा है ऐसे भी फ्रेंड। उनको कुछ काम तो है ना ऐसे बच्चे लोगों का। मेरा हस्बैंड जी फ़ोन कर रहे थे, इधर ब्लॉग बना रहे, इधर ब्लॉग शूट कर रहे हैं। एक मिनट फ्रेंड, जैसे देखिए एक टोटो लगा हुआ है, जो लड़का बैठा हुआ है वो मेरा देवर है हम देखिए। तो अभी चलिए जाते हैं फटाफट। और इतना कड़ा धूप है फ्रेंड, चलो ना कड़ा धूप का वैसे हम बाहर नहीं निकलते इतनी बहुत ज़्यादा कड़ा धूप। बाहर निकले ना जैसे लगता है चक्कर उक्कर मार दे रहा है। हाँ तो थक गए फ्रेंड, सुबह में नाश्ता भी नहीं किए हैं। अभी उधर देखते हैं कुछ नाश्ता से मिले तो खा लेंगे। तो ये रहा मेरा टेबल, ये आ गया लेने। आज टोटो में देखते हैं फ्रेंड, मैं टोटो में बैठ गई हूँ और मेरे देवर जी मेरे को लेने आया, जिसके आपको ब्लॉग पता चलेगा। तो मैं बेटा सोया हुआ था फ्रेंड, वो डर से उड़ गया देख सकते हैं। तो अभी उसको वैक्सीन लगने वाला, उसको भी पता चल रहा है कि आज मेरे को लगने वाला वैक्सीन बोल कर का फ्रेंड। तो रोहित जी मेरे को फ़ोन किया तो रोहित जी से बात हो चुका था। अभी हम निकलते फटाफट पहुँचते हैं क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया फ्रेंड। पता नहीं सही आल होगी कि नहीं होगी, बाबू का जो वैक्सीन लगे या नहीं लगे फिर दिक्कत पड़ेगा ना फ्रेंड। तो इसलिए हम जो मेरे देवर को बोल रहे स्पीड से थोड़ा टोटो चलाओ ताकि आप जल्दी से पहुँच जाए, ढाई नहीं ले। और उसके बाद मेरे बेटा का मुंह भी ढक गया देखे फ्रेंड, टोपी से देख रहे मेरे बेटा का। वो वाला टोपी था ना फ्रेंड, सुबह हम धोने में रख दिया, तो मेरे बेटा को टोपी वाला नहीं पहना है, तो ये पड़ा हो रहा टोपी तो देखिए ना। गाइस मैं फाइनली पहुंच गई हूँ जहाँ आना था, और रोहित जी भी आ गया है दुकान से। तो अभी हम हमारे बाबू को लेकर के जा रहे हैं आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी में रोहित जी पूछ रहे कि कितना तो वैक्सीन लगेगा बोल करके। तो हम बोले कि एक दो लगे, ऐसा तो हो सकता है 3 भी लग सकता है, मेरे को पता नहीं है बोले। तो रोहित जी बोला कितना दूर है आंगनबाड़ी, तो मैं बोले सामने में। मेरे बेटा को वैक्सीन मिल चुका है, मेरे बेटा बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, इसका रोना देखकर मेरे को खुद रोना आ रहा था, कुछ बोलने भी नहीं सक रहा था फ्रेंड ऐसे हो गया था। और रोहित जी भी देख कर उसका ना पूरा रोने जैसे हो गया था, और उसका आंसू को छुप आ रहा है, मतलब छुप कर आ रहा है फ्रेंड। मेरे बेटा को वैक्सीन लग चुका है, और अभी हम लोग तीनों के घर निकल रहे हैं। रोहित जी तो अपना काम जाएंगे, और हम दोनों सोच रहे कि मैं डेढ़ सास से मिलते हुए चलते हैं, क्योंकि मैं डेढ़ सास बोलती है कभी भी तुम इधर आने से हम लोग घर आने नहीं खोजते जल्दी। तो बाबू को लेकर आया करना मेरा घर बोल के बोला, और वहाँ पर वैक्सीन लगा मेरे बेटा को। तो मेरे बेटा को लगता है कि अभी ऐसे फीवर स्टार्ट हो गया ना, देखिए फ्रेंड। टू फैमिली तो फाइनली मैं डेढ़ सास का घर पहुंच गई हूँ फ्रेंड। मैं डेढ़ सास का घर का पूरा नहीं दिखा पाती हूँ फ्रेंड्स के लिए सॉरी, क्योंकि ये जो है उन लोग पसंद नहीं करता ब्लॉगिंग में आना, वीडियो वीडियो बनाना इन लोग पसंद नहीं करते इसलिए फ्रेंड। तो मेरा तो रोहित जी की वजह से मेरा आज़ादी है, तो हम ब्लॉग व्लॉग शूट कर लेते सब कुछ कर लेते हैं फ्रेंड। लेकिन मेरे डेढ़ सास हुआ, मेरे सास लोग ये लोग आना नहीं खोजते हैं, तो इसलिए फ्रेंड। और मेरे बेटा का फीवर हल्का हल्का आने लगा है, और वो जो है
टीवी रूम में सोया हुआ और हम किचन तरफ बैठे हुए हैं फ्रेंड। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। मैं 1.5 साल का घर में गर्मी लग रहा है फ्रेंड, गर्दन सूख रहा। पानी पैसे, चलिए पानी पी लेते फटाफट। और ये वाला बोतल कितना सुंदर लग रहा फ्रेंड, मेरे को भी लेना चाहिए क्योंकि गर्मी सीजन आ रहा है ना, पानी उन्हें भर कर रखने के लिए ना फ्रेंड। तो मेरा बेटा वाला रूम में सोया है, मेरे 1.5 साल का बेटी बेटा सब सोया हुआ था। क्योंकि ना वाला रूम में हम जाते हैं, मेरे 1.5 साल बोले थे जाओ बैठो बोल करके, पंखा चला रहा था लेकिन हम नहीं गए फ्रेंड, क्योंकि टीवी इतना जो जो चला रहा था ना, तो मैं ब्लॉगिंग से स्टार्ट करने नहीं सकता। आ गए खाते हैं, खाने स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आलू की सब्जी लग रहा, सांभर चटनी नहीं लग रहा, क्योंकि पटल उटल डाल के बनाया खाली है। और अभी मेरे 1.5 साल के लिए कोल्ड ड्रिंक नहीं है कि डाले, वो बोली कि कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, बोली तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक बच्चा लोग पी लेगा। और इतना गर्मी भी है फ्रेंड, तो ऐसे थोड़ा सा राहत मिलेगा पीने से, बहुत ज़्यादा गर्मी मिलेगा यार, पता नहीं। और 3 महीने कैसे झेलना वगैरह, हाँ। बाजार का रोड है यहाँ पर, सब बाजार लगा और इसका पीछे जस्ट सब्जी फ्रेंड। फैमिली तो हम घर आ गए मेरे 1.5 साल के घर से, क्योंकि यहाँ पे हम कपड़ा भी डुबा के गए थे, सरफ पानी में बुझाया है कपड़ा को, तो कपड़ा को धोने के लिए हम जो यहाँ पे रख के गए थे, तो पानी में सरफ में उसको छोड़ दिए। और अभी मेरे बच्चे का ना फ्रेंड फीवर आ रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा फ्रेंड कि करूँ तो करूँ क्या, मतलब पूरा ना बुखार से तब हो रहा है फ्रेंड, जानते हैं बच्चा को ना अजीब से लगता है फ्रेंड, बहुत रोने का मन करता, जानते हैं। अभी अगले महीने का फिर और 3 वैक्सीन है, क्योंकि सैया बोली है कि है और 3 2 तारीख को, तो फ्रेंड इसलिए जो अभी से मेरा टेंशन लग रहा है कि अभी एक वैक्सीनेशन से इतना फीवर आ रहा है, 3 3 4 4 तो मिला, तो फ्रेंड पता नहीं मेरे बच्चे का क्या होगा हालत। फ्रेंड मैं मेडिसिन खोज रही हूँ, क्योंकि ये मेडिसिन दिया है सैया लोग, बोला कि फीवर और जब उसको दर्द करेगा ना, तो ये मेडिसिन को 4 टुकड़ा करके सुबह शाम रात दोपहर कर खिलाने के लिए, तो इसका अभी मैं तोड़ूंगी, 1 टुकड़ा खिला दूंगा अभी मेरे बेटा को, ताकि उसका फीवर हट जाए, दर्द थोड़ा से कम हो जाए फ्रेंड। और ये ना दवाई क्या चीज़ का आप लोग कमेंट करके बताइए फ्रेंड, मेरे को तो पता नहीं, मेरे को सैया दिए तो मैं खिला दे रही हूँ। पिछले बार भी जब वैक्सीन मिला था तब यही वाला दवाई दिया था, बट ये दवाई से असर नहीं किया था, तो उसको फिर हम लेके गए थे डॉक्टर दिखाने के लिए फ्रेंड, हेम्योपैथी, तो तब वहाँ से दवाई लेकर आए थे, थोड़ा सा मेरा बेटा ठीक हुआ था, तो अभी 5 KL दवाई से उसको सूट करे, ठीक हो जाएगा फ्रेंड। और मैं अकेले घर में हूँ ना फ्रेंड, मेरे बच्चे को तबीयत ख़राब होता है देखकर ना मेरे को अच्छा नहीं लगा, रोने का मन करा। मैं खुद सोच रही हूँ खास कोई मेरे साथ रहता जो मेरे बेटा को थोड़ा सा देख देता फ्रेंड, क्योंकि इस हालत में ना हम देख नहीं पा रहे, मेरे बेटा को इतना तकलीफ हो रहा है, इतना रो रहा है, सोने नहीं सक रहा, बैठने नहीं सक रहा मेरे बेटा को। हम लाइट नहीं था ना फ्रेंड, तो हम नीचे में चटाई बिछा कर सो रहे थे, क्योंकि यहाँ से हवा ना आता है, बहुत ठंडा ठंडा अच्छा हवा आता है, जब हवा चलता है तो फिर तब तक तो लाइट आ गई, तो पंखा चलने लगा, तो और मेरा बच्चा का देखा ना पूरा बुखार से तब रहा फ्रेंड, हाथ पैर पूरा बदन तब रहा है, गर्म से क्या करे फ्रेंड। मेरे बेटा का वैक्सीन मिला जो वहाँ पे चोट आ चुका है और उसको दर्द इतना कर रहा था फ्रेंड, तो ऐसे बोली थी सैया कि ठंडा ठंडा सा कुछ से सेक देना साइड साइड करके भूल करके, तो फ्रेंड मेरे घर में तो फ्रिज है नहीं, तो इसलिए मैं 2 रुपये पहले पेप्सी लेकर आए थे और उसी से थोड़ा थोड़ा करके सेक दी थी, हाई होप कि मेरे बेटा को थोड़ा आराम मिले, लेकिन उसको आराम नहीं मिल रहा हमको जहाँ तक लग रहा फ्रेंड, देख सकते बार बार उसको दर्द से जो नींद भी नहीं आ रहा, कुछ कर रहा नहीं, रोने जैसे मुँह बार बार बना रहा, चिल्ला चिल्ला कर रहा फ्रेंड, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा फ्रेंड्स को, देख देख कर खुद रो रहे हैं फ्रेंड, मुझे जानते मेरे बेटा का ऐसा हालत है, पैर भी हिलाने नहीं सक रहा, वरना ऐसे टाइम में खेलते रहता है कि बात करते रहता है, लेकिन आज कुछ भी नहीं कर रहा मैं बेटा। तभी मैं जैसे आपको पता चल गया कि मेरे बेटा का तबीयत ख़राब हुआ था, तो मेरा बेटा अभी तबीयत तो उसका ठीक है, वाला जो मेडिसिन दिखाई थी आप लोगों को वाला मेडिसिन खिलाए थे, तो मेरे बेटा का भी फीवर ठीक है, तो वो खेल रहा है, उसको दर्द तभी महसूस नहीं हो रहा बोल करके। तो फ्रेंड उसके बाद क्या हो जाते, मैं खाना बना ली, तो खाना बन गया, और मैं ना बंधा को भी आलू शिमला मिर्च प्याज मिर्चें सब काटी और कढ़ाई में चूल्हा में चढ़ाई और ऊपर से मैं रिफाइंड तेल जो है डाल ली, और उसके बाद फिर तेल गरम होते होते देख रहे ना फ्रेंड, बुक 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 क्या चूल्हा टो, और उसके बाद बंद। बहुत दुख की बात है फ्रेंड, लेकिन एक अच्छे का बात ये है फ्रेंड कि मेरा चावल पक गया, खाने का लायक बन गया था चावल, तो अभी बस चावल खा रहे फ्रेंड। चावल के साथ में क्या सब्जी है दिखाते, चलिए आप लोगों को दिखाते, क्या आप लोग भी ऐसे करते हो गैस ख़त्म होने से, बताइए कमेंट बॉक्स में।
तो चलिए भाई के मना से दिखाते हैं आप लोगों में। भाई खाने भी स्टार्ट कर दिया फ्रेंड। आप देखते हैं ये रहा माड़ भात और इसमें है प्याज मिर्चा धनिया पत्ता और नींबू अचना चूर का। इसको हम लोग क्या किए, क्या बनाया इसको बोलते, क्या बोलते, चटपटा मसाला क्या बोलेंगे इसको कि छटमटा चटमटा झलमुड़ी बोलेंगे। कैसा लग रहा भाई माड़ भात, कैसा अच्छा लग रहा है? सब्जी नहीं बना तो क्या कर फ्रेंड, अभी इसी के साथ में काम चलाना होगा। इतना रात में ख़त्म हुआ कि रिटर्न जा भी नहीं सकते ना होगा। आज से जाकर सिलेंडर दे देता बनने या भरने के लिए, लेकिन कल देता ना होगा, रात में नहीं देता। और तो इसलिए फ्रेंड हमने बोला कि सुबह में जाकर फिर भरा लेंगे ना। चलिए फ्रेंड खाने स्टार्ट कर रहा। बाबू को सला देना, वहाँ पर चढ़े में सला दो बाबू को, नहीं उसका खिटावे से दे दो, खिलौना दे दो बाबू का, खिलौना से लेकर आए थे ना कल, उधर माता करो। तो चलिए फ्रेंड आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिए। अगर मेरे ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ढेर सारे प्यार दीजिए। और सॉरी फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए अच्छा ब्लॉग नहीं ला पाई, जितना हो पाया मैं आप लोगों को भी ब्लॉग में दिखा दी हूँ फ्रेंड। और अभी जो नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फ्रेंड ऐसे प्यार हमें देते रहिए और मैं कोशिश करते रहूँ कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा ब्लॉग लाने के लिए। तो बाय बाय फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते, बाय बाय।